चीता भारत में वापस आ गए हैं। 70 साल बाद देश में स्पीड किंग चीता का रिटर्न। भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे देशवासियों के लिए खास तोहफा। 70 साल बाद भारत में चीते की वापसी आज हुई है। प्रधानमंत्री ने खुद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लीवर घुमाकर छोड़ा। भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर चीता का घर बनने जा रहा है। भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चीतों को देश में लाने और बसाने में निजी रुचि दिखा रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिर से चीतों को बसाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान KNP को चीतों के निवास के लिए सबसे सही जगह पाया गया है। KNP 748 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है। इस इलाके में मानव बस्तियों को हटा दिया गया है और श्योपुर शिवपुरी के खुले वन में 21 चीतों को रखने की क्षमता होने का अनुमान है। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो भारत से पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसका मुख्य कारण ज्यादा शिकार और चीतों के निवास स्थान को हुआ नुकसान था। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाना जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। चीते खुले मैदानों में रहते हैं, उनका आवास मुख्य रूप से वहां है जहां उनके शिकार रहते हैं। घास के मैदान, झाड़ियां और खुले जंगल, अर्धशुष्क वातावरण और थोड़ा ज्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। चीता अपनी तेज रफ्तार के लिए ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जानवरों की दुनिया का हुसैन बोल्ट कहा जाने वाला जीव चीता है। आप इसे देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह तो हवा में उड़ रहा है। अपनी बुलेट जैसी स्पीड के कारण कोई भी जानवर इससे बचकर भाग नहीं सकता। यह जानवर मुख्यतः अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है और ईरान के कुछ हिस्सों में भी चीता पाया जाता है, लेकिन एशिया के चीते अफ्रीका के चीतों से थोड़े छोटे होते हैं। चीता के अंदर एक कमी है कि यह शेर और टाइगर की तरह दहाड़ नहीं सकता। इसकी आवाज से तो कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार से हर किसी को डरना पड़ता है। हिरण और जंगली सुअर जैसे जानवरों का शिकार बड़ी बिल्लियां आसानी से नहीं कर पाती, लेकिन चीते के सामने इनकी सारी रफ्तार धरी की धरी रह जाती है। भारत में विशेष मालवाहक विमान में 8 चीते लाए गए। शनिवार की सुबह अपने देश में नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 8 चीतों को लाया गया है। देश से लुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से लाकर सुरक्षित तरीके से मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ आज देश के लिए खास दिन है। देश के चहेते पीएम मोदी का आज यानी 17 सितंबर को जन्मदिन है। चीते को भारत में आखिरी बार साल 1948 में देखा गया था। साल 1952 में यानी 70 साल पहले भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था और फिर 1979 से चीतों को भारत में बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। भारत के अलग अलग राज्यों के जंगल चीतों के घर थे, लेकिन पालने और शिकार करने की वजह से देश में चीतों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी थी। आशा है कि अब भारत को कभी भी चीता की कमी महसूस नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।